नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेचिंग भी करिए। और जब आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग पक्का करना है, वरना आपके जो मसल्स में बहुत पेन होगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ, ये मैं बता नहीं पाता हूँ टाइम की वजह से कि टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा वीडियोज़ का, तो इसलिए। पर ये चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान रखिए, और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपनी बॉडी का वार्म अप जरूर करिए, और करने के बाद स्ट्रेचिंग पक्का। ओके, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मैं 5 प्रकार के पुशअप्स करूँगा, 10 10 करेंगे। ठीक है, राम मूर्ति हो गया, इसका स्पाटे हो गया, उसमें आप देखेंगे हनुमान दंड देखेंगे, ठीक है, और एक नॉर्मल पुशअप देखेंगे, हिंदू पुशअप देखेंगे। चलो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिक्स पुशअप्स डालने का मेरा मकसद ये था कि कभी-कभी आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए कि आप अलग-अलग पुशअप्स कितने कर सकते हो। तो मैंने इसको शॉर्ट में निपटाया है। मैं ज़्यादा कर सकता था, बट मैंने कहा चलो कम करें और शॉर्ट वीडियो डालें ताकि वीडियो लंबा ना खींचे और पब्लिक बोर ना हो। दोस्तों, मिक्स पुशअप्स के भी अपने बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि इससे अलग अलग अंगों पर अलग अलग असर पड़ता है और उसका लाभ मिलता है। एक ही बारी में अलग अलग दंड करने से आपको पता चलेगा कि आपके जो लंग्स हैं उसमें कितनी पावर है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने लंग्स की पावर को चेक करने के लिए, और आपके स्टेमिना में 4 चांद लग जाते हैं। तो जितने भी ये दंड मैंने बताया है सभी बहुत ही असरदार है। तो दोस्तों, आप अपने घर में आराम से इसे करिए, एंजॉय करिए एक्सरसाइज का। इसमें बोर होने वाला जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको पता है कि आपको फिट रहना है और इसका एकमात्र इलाज एक्सरसाइज योग है, तो आपको बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि बोर वो लोग होते हैं जिन्हें इन चीज़ों का पता नहीं होता कि इनसे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे। तो दोस्तों, आप कोई भी चीज़ करिए और उसके बेनिफिट्स को अपने माइंड में रखिए और 100% करने का प्रयास करिए। अपना 100% एफर्ट लगाइए, तभी आपको लाभ होगा। और जो राम मूर्ति, मैं हमेशा बोलता हूँ कि राम मूर्ति जैसा दंड कोई नहीं है और त्रिबंध युक्त प्राणायाम जैसा कोई प्राणायाम नहीं है। तो दोस्तों, आप जो इन दोनों को करता है उसकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज आएंगे, ऐसा मेरा मानना है क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में ये करता हूँ। तो दोस्तों, आप अपने प्राणायाम और दंड करते रहिए और फिट रहिए। तो स्ट्रेचिंग जरूर करिए।